दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने वाले बिल पर संसद की मुहर। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हुआ। दिल्ली की 1731 कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। चीन के साथ भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित। किसी भी चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है सेना। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा सरकार सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हवाई, रेल और सड़क कनेक्टिविटी को कर रही है मजबूत। भारत ने मालदीव में कई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मालदीव को सौंपा फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट। रुपे कार्ड की भी शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा भारत की नेबरहुड फर्स्ट और मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीतियों ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को किया मजबूत। केंद्रीय कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन विधेयक समेत कुल 6 बिलों को दी मंजूरी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान। लोकसभा और विधानसभाओं में एससी एसटी आरक्षण को 10 साल और बढ़ाने का भी फैसला। डाटा प्रोटेक्शन बिल पर भी मुहर। और सूडान में फैक्ट्री में धमाका होने से 23 लोगों की मौत, 130 से अधिक घायल। मृतकों में कई भारतीय भी शामिल, कुछ अभी भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख।